तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास के हथियारों के आगे इजराइल के टैंक हुए फेल। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के हाथों मारे जा रहे हैं इजराइल के सैनिक। इजराइल की सेना बचाने में हुई फेल। गाजा पट्टी में जीत की ओर बढ़ रहा हमास, हार रही है इजराइल की सेना। नेतन्याहू के उड़े होश। इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देना अमेरिका को पड़ा भारी। इराकी मिलिशिया ने किया अमेरिकी बेस पर हमले का ऐलान, बौखला उठा अमेरिका। सांपों को बेचने के मामले पर एलबिस यादव पर बरसी बीजेपी सांसद मेनका गांधी। एलबिस यादव की गिरफ्तारी की मांग की, बताया एलबिस यादव को मुख्य सरगना। इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान की सेना पर हुआ आतंकी हमला, 14 सैनिकों की बलूचिस्तान में हुई मौत। इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका एक दिन हो जाएगा खत्म, जैसे सोवियत संघ बिखरा था। हिजबुल्ला चीफ ने फिर से दी इजराइल को चुनौती, कहा मकड़ी के जालों से कमजोर है इजराइल की सेना, अमरीकी बमों की भी कोई नहीं हैसियत, जो हमारा कर पाए कुछ हमारी होगी जंग में जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास के हथियारों के आगे इजराइल की सेना हुई फेल। मारे जा रहे हैं नेतन्याहू के सैनिक। गाजा पट्टी में हमास की होगी जीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के हथियारों के आगे इजराइल की सेना फेल होती दिख रही है और हमास के लड़ाके इजराइल की सेना को मौत के घाट उतार रहे हैं और नेतन्याहू के सैनिक गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना बख्तर बंद गाड़ी और अपने मरकाबा टैंक को लेकर गाजा पट्टी में प्रवेश करने पहुंची। जैसे ही गाजा पट्टी में इन टैंकों के साथ इजराइल की सेना ने घुसना चाहा, तो हमास के लड़ाकों ने इन पर हमला बोल दिया। इस हमले में इजराइल के टैंक मारे गए हैं और जितने भी हथियार इजराइल की सेना ले गई थी वो सारे के सारे फेल हो गए हैं और हमास के हथियारों के आगे इजराइल फेल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का मरकाबा टैंक, जिसे इजराइल का टाइगर भी कहा जाता है, वो टैंक भी बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और हमास के हथियारों के सामने नहीं चल पाया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक बुरी तरीके से गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं और इन्हें बचाने वाला तक कोई नहीं आ रहा है। यानी गाजा पट्टी में हमास की जीत होना तय है। इजराइल की सेना बुरी तरीके से हार रही है और नेतन्याहू भी बौखला गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना हमास के हथियारों के सामने नतमस्तक हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका को इजराइल का साथ देना पड़ा भारी। इराकी मिलिशिया ने किया अमरीकी बेस पर हमले का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में 28 दिनों से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल की सेना हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही से जंग लड़ रही है। वहीं अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में सक्रिय दिख रहा है और वो लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग में इजराइल का साथ देना अमरीका को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इराकी मिलिशिया ने अमरीकी बेस पर हमलों का इराक में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इराक में जितने भी अमरीका के सैन्य बेस हैं उन सभी को तबाह किया जाएगा और इजराइल के साथ अमरीका के सैनिकों को मार पीट कर इराक से निकाला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इराकी मिलिशिया के इस ऐलान के बाद अमरीका की भी हवा खराब हो गई है। अमरीका को भी लगने लगा है कि जितना नुकसान इजराइल का भी इस जंग में नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान उसका होगा, जिसके बाद अमरीका भी अब रंग बदलने लगा है और वो भी फिलिस्तीनियों के साथ आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूट्यूबर एलबिस यादव पर बरसी बीजेपी सांसद मेनका गांधी। गिरफ्तारी की कर दी मांग, एलबिस यादव को बताया मुख्य सरगना। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेनका गांधी ने सोशल मीडिया पर सांप पकड़ने और उसके साथ खेलने का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्रभावशाली और बिग बॉस OTT विजेता एलबिस यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। ये अपडेट पीपल फॉर एनिमल संगठन के एक पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता द्वारा दर्ज कई शिकायत के बाद आया है। मेनका गांधी ने कहा है कि हमें ये पता चला है कि प्रभावशाली एलबिस यादव इसे बढ़ावा दे रहा है, उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है, वही इस चीज का सरगना है। सांपों को यही जंगल से पकड़वाकर मरवाता है और उनका जहर निकल के बेचता है और तभी इस पर करोड़ों रुपये आए हैं। वहीं आपको बता दें कि एलबिस यादव की अब बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने गिरफ्तारी की मांग कर दी है, जिसके बाद एलबिस यादव का अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो कहाँ है। 3 राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है, उसके साथ ही तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन एलबिस यादव अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल हमास जंग के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ आतंकी हमला, 14 जो है पाकिस्तान के सैनिकों की हुई मौत। यह दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान की सेना पर एक आतंकवादी हमला हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 14 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। बलूचिस्तान में शुक्रवार को हुआ ये आतंकवादी हमला इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि आतंकवादियों ने यह हमला उस वक्त किया जब सैनिकों की 2 गाड़ियां पसनी से ग्वादर जिले के ओरमारा इलाके में जा रही थीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले सपा के बदले तेवर से इंडिया गठबंधन में आई दरार। यह दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की एक तरफा घोषणा का विवाद गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सपा के बीच रिश्तों में आई दरार का असर इंडिया गठबंधन पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों जोर शोर से PDA का राग अलाप रहे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तस्वीर भी साफ कर दी है। इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने पर सपा ने 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर पार्टी 80 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में सपा रालोद कांग्रेस एक छतरी के नीचे है। सपा की एक तरफा घोषणा के बाद दोनों पार्टियों को 15 सीटों पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल हमास जंग के बीच हमास ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा एक दिन अमेरिका हो जाएगा खत्म, वह भी सोवियत संघ की तरह बिखरेगा। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास के एक वरिष्ठ नेता ने चेतावनी अमेरिका को दी है कि एक दिन अमेरिका खत्म हो जाएगा और वह सोवियत संघ की तरह बिखर जाएगा। यरूशलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। दरअसल हमास के वरिष्ठ नेता अली बराक ने लेबनान के एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस इंटरव्यू को ट्रांसलेट किया है। रिपोर्ट के अनुसार अली बराक ने कहा कि अमेरिका को ब्रिटेन ने बनाया था और ये एक दिन सोवियत संघ की तरह बिखर जाएगा। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सारे दुश्मन करीब आ रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक दिन जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, जिस तरह से सोवियत संघ खत्म हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मकड़ी के जालों से कमजोर है इसराइल की सेना, अमेरिकी बमों की भी कोई हैसियत नहीं, हिजबुल्ला चीफ की चुनौती। जदोसो आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच घमासान जंग के बीच इजरायली सैनिक गाजा में प्रवेश कर लिए हैं और हमास को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस जंग को लेकर अब जो है हिजबुल्ला नेता ने हमास का समर्थन करने का ऐलान करते हुए इसराइल और अमेरिका को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में बड़ा युद्ध हो रहा है, जो जिंदा है उन्हें मारा जा रहा है, इसराइल की सरकार जालिम है। हसन नसरुल्ला ने लेबनान के बेरूत में बड़ी रैली की है। 7 अक्टूबर के बाद नसरुल्ला का पहला भाषण ये है। इस भाषण को लेकर बेरूत में जगह जगह TV स्क्रीन लगाई है और सभा में भारी भीड़ उमड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल हमास युद्ध के बीच अमरीकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने PM बेंजामिन नेतन्याहू से तीसरी बार की मुलाकात। जदोसो आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध के बीच अमरीकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया कि PM बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध शुरू होने के बाद तेल अबीब के क्रिया में तीसरी बार मुलाकात किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब अमेरिका पर भी पूरी दुनिया का प्रेशर बनने लगा है कि वो इसराइल और हमास की जंग बंद करवाए, क्योंकि इसराइल लगातार निर्दोष लोगों की हत्या गाजा पट्टी में कर रहा है, बम बरसा रहा है। इसी मामले को लेकर ये दोनों देशों की बैठक हुई है। अब एक दो दिन में ये जंग समाप्त हो सकती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर है बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश तुर्की में बनेगा नया संविधान। जदोसो आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने संसद के नए कार्यकाल में एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अर्दोगान ने संसद के नए विदाई वर्ष के उद्घाटन समारोह में एक भाषण में कहा कि अब हमारे सामने एक नया कार्य और एक नया अवसर है।
इसका उद्देश्य हमारे देश को एक नया और नागरिक संविधान देना है। उन्होंने कहा है कि हम सभी दलों, सभी सांसदों, सभी सामाजिक वर्गों और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रस्ताव रखने वाले सभी लोगों को रचनात्मक समझ के साथ एक नए संविधान के आह्वान में शामिल होने को आमंत्रित करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तुर्की में नया संविधान बनकर तैयार होने वाला है।